गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 20 तारीख दिन वीरवार केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज किस तरह का ग्राहकी रहा, आज ताजा गाड़ी किस किस राज्य से देखने को मिल रहा है और पिछले दिनों जो बारिश हुआ उससे कितना डैमेज हुआ है माल, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो में। दोस्तों 100 पर 40 भाई साहब के पास 2 या 3 गाड़ी लगाए जी प्याज का, बाकी क्लियर जानकारी करते ही लेंगे आज जो है कितना गाड़ी जो है इनके पास है। फिलहाल तो सामने 2 नजर आ रहा है जी और क्वालिटी दिखा दूं, अलग अलग लोट पलटा हुआ इन्होंने। नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सर जी आज का प्याज का बाजार बताओ जी, सबसे पहले गाड़ी का बता दो, आज ताजी गाड़ी मंडी के अंदर कितना है और बैलेंस कितना है जी? सर ताजी गाड़ी मंडी में करीब 17-18 के आसपास हो चुकी है। अच्छा जी। और बैलेंस सर 4 से 5 गाड़ी का चल ही रहा है मंडी में इस टाइम। अच्छा जी। तो टोटल मिला करके जो है 22-23 करीब 22-23 गाड़ी से ऊपर होंगी। अच्छा जी। तो सर जी आज का किस तरह का माहौल रहा जी मंडी के अंदर? सर सबसे बड़ी जो इस टाइम मालों में दिक्कत आ रही है अब क्योंकि ये बारिश वाले माल आ गए हैं, दागी की शिकायत ज्यादा बन रही है। अच्छा सर जी, अभी जैसा कि अभी शायद 1 हफ्ता पहले मैंने पूछा था जी, जो ओले पड़े कई जगह जी, तो उनसे क्या शिकायत देखने को मिली? सर ये शिकायत आ रही है सामने कि अब जो वहाँ के माल है ना सर, उनमें चोर दागी जैसे होता है ना, वो दागी की शिकायत बन के आ रही है। अच्छा। ऐसे आप डेरिया दिखाओगे तो आपको ऐसे पता नहीं पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप जैसे प्याज आप उठाओगे, उनको दबाओगे, मुंह दबाओगे तो कोई ना कोई प्याज आपको दागी निकल जाएगा। अच्छा जी। तो अब ये समस्या आ रही है इस टाइम प्याजों में कि दागी की शिकायत बहुत बन रही है प्याजों में। अच्छा जी। और सर जी अभी किस किस एरिया का माल सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है? सर अभी तो देखो ज्यादा शिकायत जो आ रही है वो एमपी के मालों में ज्यादा आ रही है। अच्छा। बाकी नासिक के माल मतलब इस टाइम क्वालिटी अगर आप मंडी में देखोगे तो एवरेज माल या एवरेज से थोड़े ऊपर माल ज्यादा है, बढ़िया माल कम आ रहा है मंडी में इस टाइम। अच्छा जी। जो इस टाइम समस्या है कि वो एवरेज क्वालिटी ज्यादा है मंडी के अंदर। अच्छा जी। जी तो और बात करें नासिक और पूना बेल्ट का, तो उधर कितना सर डैमेज हुआ है? सर अभी डैमेज का तो जैसे ऐसे नहीं बता रहे, जैसे एमपी का बता रहे हैं कि 20% के आसपास है। अच्छा जी। अभी ये आने वाला जो महीना 1.5 महीना जो प्याज आएंगी ये सब ऐसी दागी वाली जो आएंगी प्याज यही आएंगी सारी अभी इस टाइम। अच्छा जी। तो इस टाइम तो अभी क्वालिटी मेरे को लग रहा है 1.5 महीना ऐसी चलेंगी ये वाली। अच्छा अच्छा जी। तो सर जी अपने पास जो ये आया जी ये व्हाइट वाले जाले में, तो ये कहाँ वाला है? सर ये एमपी है, वो नासिक है और वो जो तीसरी दिख रही है आपको वो भी एमपी है। अच्छा जी। ये तीसरी लाल जाली में जो है? हाँ जी वो एमपी है, ये बीच वाले नासिक है और अच्छा। ये एमपी है सफेद जाली के। अच्छा जी। तो ये सफेद वाले में आपने अलग अलग लोट पलटा हुआ सर जी, और एक शायद लाल जाली में भी है सर। अब ये भाव ऐसा है ना कि जैसे अब ये लॉट है इसके अंदर दागी की शिकायत है। अच्छा जी। तो ये 10 रुपए किलो चला रहे हैं, ये 11 रुपए है, वो 13 रुपए है। अच्छा जी। जी वो कहाँ वाला माल है सर जी? वो एमपी का है। अच्छा जी। वो मोटे माल है, 65-70 mm के साइज के माल है सारे, लॉट ही ऐसा वो। अच्छा। पीछे वाली गाड़ी है। हाँ जी। 13 बता रहे हैं, बाकी मौके पे जैसे 12.5 तक जैसे भी होगा। अच्छा जी। जी और नासिक का क्या बाजार खुला सर? नासिक सर 12 बता रहे हैं, 11.5 तक है माल, कोई ज्यादा बढ़िया है नहीं वो भी। अच्छा अच्छा। मीडियम क्वालिटी का माल है, पत्ती उतनी बढ़िया है नहीं प्याज पे। अच्छा जी। तो आइडिया है कि 11-11.5 रुपए के आसपास का। अच्छा जी। जी और जो बढ़िया अगर मजबूत पत्ती में आ रहा है सर जी? सर वो 13-13.5 रुपए। 13-13.5 रुपए जी। तो बहुत बढ़िया है, एक्स्ट्रा सुपर आ जाए हर चीज में बढ़िया हो तो वो 14 की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा। बाकी बाजार जो बढ़िया मालों का वो 13-13.5। अच्छा। और सर जी वही बात करें अगर पूना बेल्ट का प्याज का, तो उसका क्या बाजार चल रहा है मंडी? सर देखिए इस टाइम तो कहीं का भी माल हो, चाहे नासिक हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र में पूना बेल्ट का माल हो, जो बढ़िया माल है वो 13-13.5 रुपए। अच्छा जी। इलाके का फर्क नहीं है, एमपी के अंदर जैसे दिखाया आपको परले वाली गाड़ी हो, बहुत मोटे माल है तो वो 13 बता रहे हैं। अच्छा। इसी के अंदर अगर थोड़ा कलर अच्छा होता, पत्ती और मजबूत होती तो 13 बता रहे, लेकिन 13 का बिक जाता ही है। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है इस टाइम इलाके का, इस टाइम तो हर इलाके बढ़िया, अगर माल बढ़िया है कहीं का भी बढ़िया हो, चाहे एमपी हो, चाहे नासिक हो, चाहे पूना बेल्ट हो। अच्छा जी। वो 13-13.5 रुपए। अच्छा सर जी वही बात करें अगर सुख सागर के प्याज का, तो सुख सागर का प्याज इस समय मंडी में आ रहा है? सर हमारी मंडी में नहीं आ रहा सुख सागर। अच्छा जी। जी आजादपुर आ रहे हैं, हमारी मंडी में नहीं है। अच्छा जी। तो रैक वगैरह का माल इधर? सर रैक के माल जो आए थे वो क्वालिटी बहुत हल्की पहुंची हमारी दिल्ली मंडियों में। अच्छा जी। तो इस बार रैक ने जितने भी लोगों ने काम किया सब परेशान हो चुके हैं, ये जो पड़े नीचे पड़े बहुत जगह ना, ये रैक के माल है, ये देखो रैक की कंडीशन क्या है मालों की। अच्छा जी। मतलब ये हल्का हो चुका जी? हाँ जी हाँ जी। तो इस बार जो क्वालिटी पहुंची है रैक के ना वो बढ़िया नहीं आई है। अच्छा। तो इस बार रैक ने उल्टा जिसने भी मंगाया वो थोड़ा परेशान हो गए बिके सौदे। अच्छा जी। तो रैक सर जी रैक में जो माल आता है वो कितना परसेंट सक्सेस होता है सर जी?
सर देखिए इस टाइम तो फायदा नहीं है क्योंकि जो मालों की क्वालिटी है इस टाइम तो ये माल ढंग से पहुंच नहीं रहे हैं। वैसे फर्क पड़ जाता है 180 रुपए किलो का अगर आप देखेंगे, लेकिन अगर आप बिक्री बट्टा मिलाओगे गाड़ियों के माल तो कुल मिला के औसतन वही बढ़ेगी, आपको फर्क नहीं है। अच्छा, जितना वो 1.5 रुपए किलो सस्ता पड़ता है उतना ही सस्ता बिकता भी है क्योंकि क्वालिटी इतनी बढ़िया पहुंचती नहीं। जी जी। दूसरा वजन बहुत शॉर्ट हो जाता है, रास्ते के खर्चे बहुत पड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों को रैक में भेजने में फायदा होता है या फिर इसमें भेजने? सर देखिए ये टाइम से टाइम की बात है, इस टाइम तो रैक वाला माहौल है नहीं क्योंकि प्याज की क्वालिटी उतनी बढ़िया बैठ नहीं रही है, इसलिए रैक तो अभी सूट करेगा ही नहीं। अच्छा, बाकी अगर आप उस टाइम जब प्याज मजबूत होती है, क्वालिटी अच्छी होती है और रेटों के भाड़े अचानक गाड़ियों के जब बढ़ जाते हैं तो ये रैक का ऑप्शन सही लगता है, अदरवाइज तो गाड़ी ज्यादा बेटर है। अच्छा जी। और सर जी वहीं बात करें अगर राजस्थान वाले प्याज का तो उसका क्या बाजार चल रहा है? सर राजस्थान के प्याज का बाजार माने आप 6-7 रुपए से लेकर 9 रुपए किलो तक। अच्छा जी, किस किस एरिया का माल सर? सर इस टाइम राजस्थान सारे सीकर कुचामन मथानिया जो भी इलाके आ रहे हैं, मथानिया कुचामन के जो माल आ रहे हैं अच्छे माल जो है वो 8-8.5 रुपए, बहुत बढ़िया होगा तो 9 रुपए भी है, वरना जो आम सीकर वीकर है वो 6-7 रुपए। अच्छा, तो सर जी गुजरात का माल इस समय आ रहा है जी? नहीं सर, हमारी मार्केट में गुजरात का माल कोई नहीं, हमारे इस टाइम एमपी नासिक और पूना। अच्छा, और अगर बात करें सर जी पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में रेट कितने रुपए डाउन हुआ है? सर देखिए अगर आप बात करते हैं ना रेट की, तो कारण ये नहीं है कि बाजार डाउन हुआ है, कारण ये है कि क्वालिटी डाउन हो गई इसलिए डाउन हो गया। अच्छा, मतलब मान के चलो अगर आज आपको बाजार में 10-11 रुपए के प्याज आपको मिल रहे हैं मंडी में, तो उसका ज्यादा कारण ये नहीं है कि बाजार डाउन हो गया, ज्यादा कारण ये है कि क्वालिटी हल्की ज्यादा आ रही है, मतलब माल पिछले हफ्ते जो माल आ रहा था उसके मुकाबले इस टाइम जो हल्के मालों की रेशियो ज्यादा हो गई है पिछले हफ्ते के मुकाबले। अच्छा, इसलिए बाजार ज्यादा डाउन देखने को मिल रहा है आपको। अच्छा, अदरवाइज जो बढ़िया माल है वो आज भी जस से बिक रहे हैं और भाव से बिक रहे हैं। अच्छा जी। और सर जी अगर बात करें सेल पॉइंट का, जिस तरह से अभी गाड़ी आ रहा है, पहले शायद 18 या 17 गाड़ी रहता था बैलेंस लगा करके, और आज जो है 22-23 गाड़ी देखने को मिल रहा है जी, तो सेल पॉइंट कैसा देखने को मिल रहा है? सर सेल पॉइंट तो बस सीधी सी बात है क्योंकि क्वालिटी हल्की आ गई तो ग्राहक का भी सेल स्लो हो जाती है आगे हल्के मालों को देखकर, तो बिक्री पहले से सुस्त इसलिए हुई है क्योंकि मालों की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो गई है, उस चक्कर में आके ये थोड़ा सेल भी डाउन हुई है सर। अच्छा, इसलिए बैलेंस बढ़ भी रहा है। अच्छा जी, ये समस्या है। तो अभी सर अगर देखा जाए तो गाड़ी क्लियर कितना हो रहा है सर? क्या सर प्रॉब्लम? सर अगर माल बढ़िया होंगे तो सारी क्लियर हो जाएंगी, माल अगर डैमेज होंगे या दिक्कत होंगी, अब जैसे आपके सामने ये गाड़ी उतर रही है, अब इसके अंदर वो देखो आप कितना माल डैमेज निकल रहा है, ऐसे मालों को संभालने में ये समस्या हो जाती है। अच्छा जी जी। तो ये दाग लगा करके रखना पड़ रहा है जी आपको? सर एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा ये लगता है कि माल थोड़ा सा ये है कि गाड़ी के अंदर हवा नहीं लगती नीचे उतरने के बाद, थोड़ी सी हवा लग के बाद थोड़ा सा प्याज सूख जाता है, थोड़ी सी क्वालिटी पहले से बेटर हो जाती है। अच्छा, ये हल्के माल है जितना टाइम गाड़ी में रखेंगे तो और दिक्कत बनेगी। हाँ जी, वो तो बपका बन करके और भी इसलिए उतारनी पड़ रही है गाड़ी हमारे को। अच्छा अच्छा जी। सर जी एक बार शॉप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। सर दुकान नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 9811-35-71-76। धन्यवाद सर। धन्यवाद।